दुनिया भर में कई जगहों से हमें खजाने देखने को मिलते ही रहते हैं। कहीं छोटा खजाना तो कहीं बड़ा खजाना। भारत में जब भी कोई खजाना पाया जाता है तो उस पर सरकार का हक होता है। दुनिया भर में कहीं भी अगर खजाना होने का बात चलती है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञ उसकी खोज में निकल जाते हैं। भारत में भी कई अभियानों में अरबों का खजाना मिल चुका है जिस पर सरकार ने दावा किया है। आपको शायद यह पता नहीं होगा, ऐसे ही खजाने के बारे में जिसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो खजाना वहाँ पर है, फिर भी न कोई वैज्ञानिक और न कोई सरकार इस पर अपना हक जमा पाता है। एक ऐसा खजाना जिसे सरकार छू भी नहीं पाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कमरू नाग मंदिर के झील के बारे में, जहां पर दफन खजाना आप भी अपनी आँखों से देख सकते हैं, फिर भी आप उसे छू नहीं सकते। यह मंदिर स्थित है हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 68 किलोमीटर दूर रोहांड में। इसी मंदिर के पास स्थित है कमरू नाग झील, जिसमें दफन है हजारों साल से जमा खरबों लोगों का खजाना। दरअसल मान्यता के अनुसार इस मंदिर से आप जो भी कामना करते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और बदले में आपको भी कोई आभूषण उस झील में अर्पित करना होता है। ऐसा ही हजारों साल पहले से होता आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अरबों खरबों का खजाना इस झील में पहुँच चुका है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस मंदिर का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। दरअसल महाभारत में सबसे महान योद्धा बर्बरिक जब युद्ध में लड़ने के लिए आए तो जान चुके थे कि वह सिर्फ कमज़ोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेगा, लेकिन उस समय कौरवों की सेना पांडवों के सामने कमज़ोर प्रतीत हो रही थी। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध करता तो युद्ध का नतीजा बदल सकता था, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका सर भेंट स्वरूप मांगा। इस पर बर्बरिक ने कहा कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं, और उन्होंने अपना सर काट कर दे दिया। यह सर सबसे ऊंची पहाड़ी पर रखा गया, और यही वह जगह है जहां पर यह मंदिर स्थित है। युद्ध के बाद भीम द्वारा इस मंदिर की स्थापना किया गया, तब से ही यहां पर आभूषण अर्जित किए जाते हैं। अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपको भी झील की गहराई में सोने चांदी के आभूषण नज़र आ ही जाएंगे। आपको इसके ऊपर तैरते भारतीय नोट भी नज़र आएंगे। यहाँ पर जितने भी आभूषण चढ़ाए जाते हैं वो सब इस झील के गहराई में चल जाते हैं, और कहा जाता है इन आभूषणों से यह झील की गहराई कभी नहीं भरती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इन आभूषणों को आखिर क्यों नहीं निकाला जाता, तो इससे मान्यता जुड़ी है कि इस पूरे पहाड़ पर और झील के आसपास नाग रूपी छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, जो कि दिन ढलते ही इच्छाधारी नाग के रूप में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें आप रात में नहीं देख पाएंगे। अगर कोई भी इस झील में इस खजाने को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो यही इच्छाधारी नाग इस खजाने की रक्षा करते हैं। आज भी बड़े बड़े खजानों पर हक जताने वाली सरकारें इस खजाने को हाथ तक नहीं लगा पाई।
इससे आप इसका महत्व जान सकते हैं और जान सकते हैं कि इस दुनिया में कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे समझ से बाहर है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी नए नए वीडियो को देख सकें।